कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के तमाम प्रयासों के बावजूद भी लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से मरीजों की संख्या बेटमा की टेंशन बढ़ा रही है। अब नगर में कोरोना के चलते मृत्यु भी होने लगी है। बावजूद इसके लोग वैक्सीन लगाने में कोताही बरत रहे हैं। वही नगर में 27 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, पर अब तक मात्र 2182 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई है। इसमें भी सभी शासकीय कर्मचारी शामिल हैं। इसी के चलते मंगलवार को स्थानीय नगर परिषद में SDM रवि कुमार सिंह ने जनप्रतिनिधि, डॉक्टर, समाज सेवी, समाज प्रमुख और गणमान्य लोगों की बैठक ली। उन्होंने लगातार बढ़ रहे कोरोना पेशेंट को लेकर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने आम लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोमवार से लेकर शनिवार तक लगातार वैक्सीनेशन का काम सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलेगा। वार्ड वाइज मतदाता सूची के आधार पर महिला एवं पुरुष जो भी 45 वर्ष से ऊपर के हैं उन सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मुस्लिम बंधुओं ने वैक्सीनेशन बहुत कम करवाया। डॉक्टर से मेरी चर्चा हुई, डॉक्टर ने मुझे बताया था, बब्बी ने बताया। मैंने मेरे जो मुस्लिम मित्र हैं उनसे ये चर्चा करी कि भाई ये बीमारी है क्या, नहीं होती आप लोगों को? उनका जवाब था कि नहीं होती है और हम वैक्सीनेशन करवाएंगे। तो ये जैसे मम्मी भाई आप सदर हैं तो आप लोग सब लोगों को बिठा करके मस्जिद में या जहाँ भी इकट्ठे हों समझाएं कि भाई बीमारी सबके लिए है। यदि सर मेरा ये निवेदन है कि ये कोविड के जो पेशेंट अपने बेटमा में निकल रहे हैं तो बहुत से लोगों के घरों पर वापस 14 दिन जो हॉस्पिटल से छुट्टी होती तो क्वारंटाइन होने के लिए जगह ली, तो उसके लिए कोई गार्डन या उससे कोई चर्चा करके अधिग्रहित हो या उनसे चर्चा करके भी रूम मिल जाए तो 12-14 दिन लोग यहाँ दे ले, जो हॉस्पिटल से ठीक होकर आए वो उसके लिए कभी ऐसी कोई सुविधा हो जाए। बाकी तो टिफिन और ये सब उनके घर के लोग भेजेंगे। इसे बहुत से लोगों के यहाँ टॉयलेट और रूम और सब एक ही हो और परिवार ही पूरा, तो कैसे रह चौदह दिन बाद में हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद। नगर के सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी समाज सेवी और सभी समाज के हिंदू मुस्लिम सभी सिख सभी समाज के नागरिकगणों के बीच एक बेटमा नगर की बैठक आयोजित की गई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि बेटमा नगर में, उसमें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी साहब भी थे, बेटमा नगर में वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ किया जाए। शासकीय हॉस्पिटल में तो चल ही रहा है रेगुलर और छुट्टी वाले दिन भी चलेगा, लेकिन अब आगे वार्ड वाइज भी हमने नगर परिषद से CMO मैडम ने वोटर लिस्ट के आधार पर 45 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों के नाम वोटर मतदाता सूची में से छांट ली और मतदाता सूची के अनुसार वार्ड वाइज बेटमा नगर में कोविड वैक्सीनेशन का कैंप प्रत्येक वार्ड में लगाया जाएगा। अब लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड का वैक्सीनेशन लगातार चलेगा, मंडे टू सैटरडे वैक्सीनेशन होगा। इसलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि वार्ड वाइज हम लोग इसका वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिससे कि कैंप लगा रहे हैं, जिससे कि वहाँ के जो हमारे हितग्राही हैं उनको आने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हमने जो नगर परिषद बेटमा की मतदाता सूची है उनको वार्ड वाइज हमने छाँट लिया है और उन वार्ड वाइज मतदाता सूची में 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं जो निवासी हैं मतदाता है हमने उनकी लिस्ट बनाया है। उनमें पुरुषों को अलग किया है, महिलाओं को अलग किया है और हमारी शासन की टीम प्लस जो यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि बैठे थे उन्होंने भी बोला है कि हम सब लोग जा करके इस टीम के साथ जो हमारी सूची उसके अनुसार लोगों को मोटिवेट करेंगे और जिस डेट को उनका वैक्सीनेशन होना है उस डेट पर उनको सहमत करेंगे, तैयार करेंगे, उस डेट को आकर के आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए। सर कुछ समय पहले सर आपके पास जिला शिक्षा अधिकारी का भी पद है वर्तमान में और सर कुछ समय पहले एक शासकीय कन्या स्कूल का वीडियो खूब वायरल हुआ था। हाँ। जिसमें स्कूल का निजीकरण करवा के मैडम ने एक वहाँ पे निजी कार्यक्रम रखा था और बच्चे और स्कूल शिक्षक खूब डांस किया था, उस पर सर क्या कार्रवाई हुई? सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखें अगर कोई किसी के जन्मदिन पे थोड़ा किसी ने डांस कर लिया कुछ कर लिया तो कोई रोक ऐसी रोक नहीं। शादी थी उस समय, शादी सर निजीकरण किया गया था स्कूल का, सर शादी का कार्यक्रम किया गया था और शादी कार्यक्रम नहीं था। मैंने पता किया था उसमें कैसा हम लोगों को पर्सनल कार्यक्रम था, वो शादी कोई कार्यक्रम नहीं था वहाँ का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।